और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो सस्पेंस, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस के अगले नए अध्यक्ष होंगे, वो खबर अब इसकी पुष्टि हो गई है। सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, बताएं क्या कुछ जानकारी, क्या औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे? रवि, ये बहुत बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पहले बीजेपी में थे, उसके बाद 5 साल पहले कांग्रेस में आए और कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद उनका दूसरा स्थान था, लेकिन डिफरेंस होने के बाद या उनका पोर्टफोलियो बदलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और कई, मतलब कुछ सालों तक लगातार वो नदारद रहे जी। अब अचानक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद एक कमेटी बनी। एक कमेटी बनने के बाद उसमें 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए और उसके बाद हरीश रावत कई दफा कैप्टन के सामने उन्होंने बात की, लेकिन पार्टी आलाकमान ने फैसला कर लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि सुनील जाखड़, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने के चलते, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी करीबी माने जाते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्होंने मेरे बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है टीवी इंटरव्यू में, जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये अभी सस्पेंस बना हुआ है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा AICC की होने के बाद क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका अगला रुख क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया है अगले 2022 के पंजाब विधानसभा के चुनाव में पंजाब कांग्रेस की अगुवाई नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। ठीक है, ठीक है रमन। इस वक्त हमारे साथ विशाल एंग्रीश भी बने हुए हैं, जो लगातार पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए थे। विशाल, अब ऐलान हो गया है नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन साथ में 4 और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, तो साफ तौर से यह नहीं कहा जा सकता है कि सिद्धू ने यहां पे बाजी मार ली? कहीं ना कहीं यहां पर अमरिंदर सिंह का दाव भी चला है, जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ही हाईकमांड के फैसले का स्वागत करने की बात कहते आए हैं, लेकिन वहीं पर सबसे हैरान कुन करने वाली बात ये थी कि जिस तरह से आज पंजाब से 10 के करीब जो मेंबर पार्लियामेंटों ने बैठक की, उसके बाद कहीं ना कहीं हाईकमांड को संदेश देने की कोशिश की गई और इसी के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ताबड़तोड़ विधायकों से मिलना उनका शुरू हो गया था और उसके बाद जिस तरह से लगातार ही घटनाक्रम घट भी रहा था और कल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो बैठक बुलाए जाने की बातें भी चल रही थी और मामला लगातार ही उलझता चला जा रहा था और वहीं पर जिस तरह से कांग्रेस हाईकमांड ने ऐलान किया है, क्योंकि इससे पहले सुनील जाखड़ भी आग्रह कर चुके थे कि इसका ऐलान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए और उसके बाद जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान हुआ है, तो ऐलान के बाद अब देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी और शर्त हाईकमांड ने नहीं मानी है, और अब उनका रुख किस तरह का रहता है पंजाब की राजनीति। विशाल, ये जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, इनके बारे में जानकारी दें। पवन गोयल है, सुखविंदर डैनी है। देखिए सबके सब राहुल गांधी के सिपाही कहे जा सकते हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह डैनी भी राहुल गांधी के काफी करीबी हैं और इसी तरह कुलजीत सिंह नागरा भी राहुल गांधी के करीबी हैं और जो दूसरे हैं, एक नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी बताए जा रहे हैं, जो गिलजियां हैं, संगत सिंह गिलजियां, और इसी तरह एक जो हिंदू चेहरे को लेने की कोशिश की गई है और पूरा तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है, जिनमें से 2 से 3 ठीक है, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है तालमेल बिठाने की कि सब कुछ ठीक हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन लगातार हमारे साथ बने हुए। रमन, आपसे सवाल, अब एक फॉर्मूला तय किया गया, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष होंगे लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्ष और बनाए गए हैं, क्या सब कुछ ठीक हो गया है पंजाब कांग्रेस में इस ऐलान के बाद हम माने, या अभी भी आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच फिर से कोई रार देखी जा सकती है? देखिए रवि, अमूमन कांग्रेस पार्टी में कोई अगर बड़ा फैसला होता है तो दोनों पार्टी
दोनों पार्टी या दोनों पक्ष के नेताओं जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत के आधार पे ही कोई निर्णय होता है, क्योंकि आपने देखा हरीश रावत गए उनके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद सीधे वापस दिल्ली आए। उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने मांगे रखी है, कुछ पॉइंट उन्होंने रेज किया है और इसको मैं कांग्रेस हाईकमान के पास रखूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला एआईसीसी की तरफ से रिलीज किया गया है, रिलीज करने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट कोई आता है या कोई बयान आता है या उनके समर्थक जो अभी सुनील जाखर ने कुछ दिनों पहले कुछ देर पहले फैसला किया था कि उन्होंने एक पार्टी के विधायकों और सभी पूर्व जिलाध्यक्षों या जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग का अब क्या होगा, क्योंकि अब तो सुनील जाखर प्रदेश अध्यक्ष रहे नहीं और उन्होंने क्यों बुलाया था ये मीटिंग। इसीलिए पंजाब कांग्रेस का जो पेच है अभी भी बरकरार है, जब तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये बयान नहीं आता है कि वो स्वागत करते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो कैप्टन ने मांग रखी थी कि वो अपने बयान को लेकर माफी मांगे, जो मेरे बारे में या कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने टीवी इंटरव्यू या ट्वीट के जरिए बात कही थी कि बादल और कैप्टन के बीच में संबंध है, दोनों पंजाब को लूट रहे हैं, उस व्यक्ति को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी बात है क्योंकि अब आलाकमान ने साफ तौर से ये बड़ा फैसला ले लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। विशाल अंग्रेज हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कांग्रेस को चलाने की जिम्मेदारी अब नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में दे दी गई है, क्या दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों धड़े अलग से काम करेंगे, क्योंकि ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं अगर दोनों के बीच अब भी तालमेल नहीं बैठा। विशाल देखिए, इसीलिए तालमेल बैठने में काफी दिक्कत भी आएगी, क्योंकि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ही ये बात कहते आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट उनके बारे में किए भी हैं और करने के बाद जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, जिस तरह से सरकार की कार्य शैली के ऊपर सवाल खड़े किए गए, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हाईकमान दोनों का पैचअप करवाने के लिए क्या करती है, क्योंकि जिस तरह से शर्त रखी गई थी वो ना नवजोत सिंह सिद्धू ने मानी ना ही पार्टी हाईकमान ने इस बात की तवज्जो दी कि नवजोत सिंह सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ही सारा कामकाज भी होता है और सरकार ही सारा कुछ चलाती भी है और जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, वर्कर होते हैं, उन्होंने सरकार के पास जाना होता है, क्योंकि सरकार और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही दो पहिए होते हैं जो लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब यदि एक नहीं चलेगा तो गाड़ी पंचर हो सकती है, बिल्कुल, और ऐसा यदि हुआ बिल्कुल साफ तौर से अब देखना यही है विशाल यहाँ पे कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तालमेल किस तरह से बैठता है, क्योंकि अभी भी दोनों के बीच खाइयां हैं। बेशक एक कोशिश की गई है, फॉर्मूला तय कर दिया गया है कि सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, नतीजा क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा।